नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं दैनिक मैं हूं दीपक अरोड़ा और आज हमारे साथ है ज्योतिष आचार्य आचार्य रनित शास्त्री जी जिनसे आज हम जानेंगे कि आज धनतेरस भी है और कल छोटी दीपावली है परसों बड़ी दीपावली है क्या मुहूर्त रहेगा दीपावली पूजन का और धनतेरस का आइए जानते हैं गुरु जी से गुरु जी आपका दैनिक टूड़ी बहुत बहुत स्वागत है आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दैनिक रूड परिवार की ओर से क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपने हमारे चैनल के माध्यम से जिस तरह से जो मुहूर्त है वो बताइए अस्तोम सद्गमयी तम ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमयी मृत्युरोम गमय या सर्वभूतेषु ज्वालारूपेण संस्था नमस्त नमस् नमस् नमो नमा दीपकज्योतिपरब्रह्मा दीपकज्योतिजनादनम दीपो हर तो मयि दीपक नमस्तुते दीपकनाथा रुड़की के, के सभी दर्शकों को जय राम जय महाल्मी जय गणपति महाराज धन्यवाद दीपक जी योगराज जी और निरंतर दैनिक रूढ़ की सार्थक प्रयास करता रहता है तीर्थों पर पर्वों के अवसर पर आप उचित जानकारी दर्शकों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद आपका और प्रकाश पर्व धनतेरस छोटी दीपावली नरक चौदस हनुमान जयंती बड़ी दीपावली भैया दूज सारे प्रकाश पर्व की मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत मंगल और शुभकामनाएं देता हूं। प्रकाश पर्व है आपके जीवन में उमंग तरंग उत्साह बना रहे और विश्व में शांति बने यही कामना हम लोगों की रहती है और जिस प्रकार आपने पूछा आज धनतेरस दिन मंगलवार हस्त नक्षत्र तिरपुष्कर योग बड़ा ही शुभ योग बन पड़ा है इस धनतेरस के दिन महालक्ष्मी निश्चित रूप से सभी अपने भक्तों पर कृपा करेंगे और आज का जो सब मुहूर्त प्रदोष काल का जो मुहूर्त बताया जाता है इन प्रकाश पर्वों में प्रदोष काल का शाम का लगभग साढ़े पाँच बजे के बाद प्रारंभ हो करके जो लगभग आठ पौने आठ बजे तक का मुहूर्त रहता है सर्वोत्तम समय माना जाता है पूजा पाठ के लिए और इन पर्वों पर दीपकों को जलाना सारा अंधकार नष्ट हो हम प्रकाश की ओर चले असत्य से सत्य की ओर चले मृत्यु से अमृत की ओर चले ऐसी कामना करनी चाहिए कुबेर जी का कुबेर जी के लिए भी एक दीपक जलाना चाहिए और महालक्ष्मी जी के लिए अंदर जहाँ पूजा स्थान में आप देसी घी का दीपक जलाना चाहिए ख़रीदारी आज का जो समय है दोपहर के समय बड़ा शुभ मुहूर्त है साढ़े दस के बाद और डेढ़ बजे तक बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और शाम के समय मैंने आपको बताया प्रदोष काल वो अमृत वेला होता है अमृत समय होता है उसके बाद भी आप खरीदारी कर सकते हैं उसमें आप आ, सिक्का वगैरह लेते हैं सोना या चांदी के बर्तन इत्यादि तो लोगों की जो मान्यता है उसके अनुसार आप अपनी खरीदारी कर सकते हैं कल श्री हनुमान जयंती जिसका दक्षिण भारतीय परंपरा में बड़ा ही अच्छा माना जाता है नरक चौदश यम चौदस भी जिसे कहते हैं जो कल के दिन पूजा पाठ करता है उसे नरक का भय नहीं रहता है उसकी आयु आरोग्य बढ़ता है पांच दीपक घर के बाहर जलाना एक दीपक घर के अंदर चौमुखा दीपा दीपक भी जलाना ये सब शुभ माना गया था श्री हनुमान जी की जयंती के रूप में भी दक्षिण भारत में यह परंपरा है तो हनुमान जी का भी आपको स्वागत सत्कार करना चाहिए उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए और बड़ी दीपावली पर आप सब लोग परिचित हैं भगवान श्री राम का अयोध्या आगमन और लक्ष्मी का परम शुभ यह दिन आप सब लोगों के लिए मंगल में हो दीपावली का भी शुभ जो मुहूर्त है वो मुहूर्त प्रदोष काल में वृक्ष लगन में शुभ मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ माना गया है वैसे तो पूरा ही दिन शुभ होता है और पूरे दिन आप सब लोग पूजा पाठ लक्ष्मी का नाम ध्यान कर सकते हैं परंतु जो प्रदोष काल का जो समय होता है वो श्रेष्ठ होता है तो आप सब लोग इसी प्रकार से पूजा अर्चना करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि आए यह प्रकाश पर्व आपके जीवन में उन्नति प्रगति लेके आए ऐसी कामना गुरु जी प्रदोष काल का क्या महत्व है और जरा उसके बारे में देखिए जब एक काल जा रहा होता है दूसरा काल आ रहा होता है दो कालों का यह मिलन होता है और संध्या काल में प्रदोष काल का जो समय है बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है वृषभ लगन है स्त्र लगन है तो उसमें की गई जो पूजा पाठ है वो अनंत गुना फल देती है वैसे तो शास्त्री भी कहते हैं कश्मीन दिन मृत्यु और भक्ति श्रद्धा समन्विता आपके मन में जब भी भक्ति हो भावु श्रद्धा हो और ये पर्व के दिन है तो आप किसी भी समय कर सकते हैं अपने अनुसार जैसे दुकानों का मुहूर्त है वो अलग समय में दोपहर में कर सकते हैं रात्रि काल जो तंत्रोक्त पूजा होती है वो रात्रि काल में भी होती है आ, उसके बाद भी आप कर सकते हैं लेकिन जो श्रेष्ठ ग्रस्तों के लिए बताया गया प्रदोष काल की पूजा श्रेष्ठ बताया बताया गुरु जी की जो खरीददारी का समय रहेगा वो सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक सबसे श्रेष्ठ माना गया है तो उसमें क्या इस तरह से रहेगा कि उस समय क्यों देखिए वैसे तो पूरा दिन धनतेरस धनवंतरी जयंती का यह दिन है और ये इस दिन हमारी जो परंपराएं हैं वस्त्र आभूषण की खरीदारी करना बर्तन आदि खरीदारी करना शुभ माना जाता है कि जब आप इस धन के दिन ऐसा खरीदारी कर दें तो परमात्मा आप पर कृपा करते हैं आपके घर में सुख समृद्धि बनी रही इन्हीं कामनाओं के साथ हम लोग खरीदारी करते हैं कि आने वाला जो वर्ष है वो हमारे अच्छा व्यतीत हो हम सामर्थ्यवान बन पाए हम कहीं धर्म में अपनी सहभागिता दें कहीं दान में अपनी सहभागिता दें तो परमात्मा की यह कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन है दर्शकों आचार्य गुरु रंजित शास्त्री जी ने बताया कि जो प्रत्योष काल का समय है वह सुबह के समय से श्रेष्ठ है वैसे तो आप किसी समय भी इसमें पूजा अर्चना कर सकते हैं साथ ही आप जो अपनी खरीददारी का समय है जो कि धनतेरस के दिन रहता है वह सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक के लिए श्रेष्ठ माना गया है और उन्होंने हनुमान जयंती जो कि कल है उसके लिए भी और छोटी दीपावली की सभी को शुभकामनाएं दी है